सुप्रभात बच्चों, ई सुविद्या में आपका स्वागत है। आपके सामने मैं एक कविता के कुछ अंश ला रही हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिस कवि की यह कविता आज भी देश के हर एक व्यक्ति के स्वाभिमान को जगाने के लिए काफ़ी है, जिन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माना जाता है, जिनकी जयंती को हर साल हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है, वे हैं साहित्य जगत में दद्दा कहलाने वाले राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी को आप पहले नवी कक्षा में पढ़ चुके हैं, यशोधरा कविता के जो कवि थे मैथिली शरण गुप्त जी, आप नवी कक्षा में उनके बारे में ढेर सारे तथ्य जान चुके हैं। फिर भी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के, जिनके राष्ट्रवाद की भावनाएं तथा कविताएं को महत्व देकर महात्मा गांधी जी ने सन 1912 में भारत भारती कृति से प्रभावित होकर उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किया था। उन्हें द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि माना जाता है। उनका जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में झांसी के चीर गांव में हुआ था। पिता थे सेठ रामचरण जी। अपनी रचनाओं के जरिए उन्होंने जनता को अहिंसा, सत्याग्रह, राष्ट्र प्रेम तथा मानवतावाद का संदेश दिया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधारा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि। गुप्ता जी का परिवार, मैथिली जी के परिवार राम भक्त था। उन्होंने भारतीय जीवन के आदर्श, इतिहास और संस्कृति को अपने काव्य का आदर्श बनाया। स्नेह, प्रेम, दया, उदारता आदि मानवीय भावों को भी साहित्य के माध्यम से उन्होंने उजागर किया। ये जो कविता मनुष्यता, मनुष्यता का अर्थ क्या होता है? मनुष्यता का अर्थ होता है मनुष्य होने की अवस्था। मनुष्य से ता प्रत्यय प्रयोग होने से हुआ है मनुष्यता। हम कह सकते हैं मनुष्य का गुण, जिसे हम मनुष्यता कहते हैं। शिक्षित और सभ्य समाज के लिए उचित और आवश्यक जो बातें व्यवहार होते हैं उन्हें ही मनुष्यता कहा जाता है। इस कविता के माध्यम से कवि त्याग, बलिदान, मानवीय एकता, सहानुभूति, सदिच्छा जैसे उदाहरण के माध्यम से तथा करुणा का, उदारता तथा करुणा का संदेश दिया है। निस्वार्थ भाव से जीवन जीना तथा परोपकार करना ही सच्ची मनुष्यता है। कवि के अनुसार जो मनुष्य परोपकार करता है, अपने लिए ना जीकर दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के सुख दुख में खड़ा होता है, दूसरों के लिए अपने मन में सहानुभूति रखता है, परोपकार की भावनाएं रखता है, वही सच्चा मनुष्य होता है। हर एक मनुष्य के पास सुख दुख की भावनाएं होती है, हर एक मनुष्य सुख दुख समझता है, लेकिन कवि के अनुसार वही सच्चा मनुष्य है जो दूसरों के सुख दुख को समझता है, दूसरों के सुख दुख में भागीदार बनता है। तो कवि इस मनुष्यता कविता के माध्यम से आपको महान बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। आइए उनके द्वारा रचित ये मनुष्यता कविता को हम पाठ करते हैं। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं करो कि याद जो करे सभी। हुई ना यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए।
वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो आप जैसे जानते हैं कि इस कविता में ऐसे भी कुछ कष्ट शब्द नहीं है जिन्हें हम समझ सकते हैं। इस पद्यांश के जरिए कवि हमें क्या सिखाना चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य मृत्यु लोक से जब चला जाता है, या फिर हम कहते हैं कि वो मरा जाता है, मरने के बाद भी, चले जाने के बाद भी लोगों के मन में, उनकी यादों में जो मनुष्य जिंदा रहता है उसी को ही अमर कहा जाता है, वही अमर बन जाता है, उसी के मृत्यु को सुमृत्यु कहा जाता है। यहाँ पर एक शब्द है आपके, सुमृत्यु। आप जानते हैं सु का मतलब अच्छा, जो अच्छे से मरता है, जो अच्छे से मृत्युवरण करता है, या फिर हम कह सकते हैं मरता है, उसके मृत्यु को सुमृत्यु कहा जाता है। ये अच्छे से मरने के बाद क्या है, अच्छे से मरने का वो प्रक्रिया क्या होती है? कवि के अनुसार मरने के बाद भी अगर आप लोगों के, आपके अपने लोगों के यादों में जिंदा हैं, आपके अपने लोग आपके कर्म को लेकर आपको याद कर रहे हैं, तो आपकी मृत्यु सुमृत्यु है, आप अमर बन जाते हैं। वही मनुष्य अमर बन जाता है जो इस धरा से चले जाने के बाद भी लोगों के मन में, यादों में बसा रहता है। तो विचार लो, ये विचार करो अपने मन में, अपने विवेक में यह विचार करो कि मर्त्य हो, यह मर्त्य हो। मर्त्य का अर्थ क्या है? मर्त्य का अर्थ है मरणशील, जो मरता है उसे हम कहते हैं मर्त्य। तो मर्त्य है जो मरणशील है, तो हम जानते हैं इस धारा में हम आए हैं, इस दुनिया पे हम जन्म लिए हैं, तो एक ना एक दिन हम अवश्य मरेंगे, क्योंकि मर्त्य इसका नाम है। मर्त्य का अर्थ है मरणशील, तो जिसका अर्थ ही मरणशील है, तो यहाँ पर जो आएगा एक दिन मरेगा, तो मृत्यु से क्या डरना। कभी कहते हैं यह मरणशील धारा है, यहाँ पे आप मृत्यु से कभी भी नहीं डरना, मृत्यु से ना डरो कभी, मरो, हमें मरना ही है, आप मरो, लेकिन परंतु, लेकिन यूं, यूं का अर्थ क्या है? ऐसे ऐसे मरो, यूं मरो कि याद जो करे सभी, कि सभी लोग आपको याद करें। कौन आप लोगों को याद करता है, कौन हमें याद करता है? हमारे कर्मों को लेके लोग हमें याद करते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, सत्कर्म नहीं हैं, दूसरों को कभी सहायता हमने नहीं की है, तो लोग हमें याद नहीं करते, कहते हैं अच्छा हुआ वो लोग मर गया, तो वो मृत्यु सुमृत्यु नहीं है। तो कभी कहते हैं हमें कभी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, हमें ऐसे मरना है, हमें ऐसे मरे कि मरने के बाद भी हम अमर हो जाए। यदि हम जीवन भर सत्कर्म नहीं करेंगे, अच्छा कार्य नहीं करेंगे, तो हमें अच्छी मृत्यु नहीं मिलेगी, अर्थात मरने के बाद भी कोई हमें याद नहीं रखेगा। जो व्यक्ति दूसरों के काम आता है वो कभी मरता नहीं है, इसका ये मतलब है वो मरता है लेकिन लोगों के यादों में, लोगों के बीच में अमर बन जाता है। तो अगर दूसरों के लिए सत्कर्म करके हम मरते हैं तो हमारे मृत्यु को सुमृत्यु कहा जाता है। तो कभी कहते हैं हुई ना यूं सुमृत्यु, तो अगर हम सत्कर्म करके ना मरे तो वृथा मरे वृथा जी, तो हमारा मरना वृथा है, उसका कोई मोल नहीं है। तो इतने साल जो हम जिए, अगर मरने के बाद कोई हमें याद नहीं कर रहा है, तो हमारा जीना भी निरर्थक है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो जो व्यक्ति दूसरों के काम आता है, जो व्यक्ति दूसरों के लिए अपना सब कुछ छोड़ देता है, न्यौछावर कर देता है, आप लोगों ने पढ़े थे कि कैसे कबीरदास ने कहा था कि दूसरों के लिए ही अपना सब कुछ त्याग कर देना चाहिए, वैसे ही हमें
पेड़ की तरह, तालाब की तरह हमारे जो हमने जो धन संचय करके रखे हैं वो दूसरों के लिए संचय करके रखना चाहिए, ताकि हमारा जो धन है, हमारा जो कर्म है, अगर ये दूसरों के काम में आता है तो वही लोग ही हमें हमेशा याद रखेंगे और हमें अमर बनाएंगे। तो कभी कहते हैं अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी मृत्यु सुमृत्यु नहीं है, तो आपने जो इतने साल जिए धरती पर वो निरर्थक है, आपका मरना भी निरर्थक है, आप इतने साल जो धरती पर जिए वो भी निरर्थक है। मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए, तो जो दूसरों के लिए जिया है वो मरा नहीं, अर्थात वो लोगों के बीच में अभी भी जिंदा है, अमर है, क्योंकि वह कभी अपने लिए नहीं जीता है। जो अच्छा है, जो सुमृत्यु पाता है, जो सत्कर्म करता है, वो कभी अपने लिए नहीं जीता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। कभी कहते हैं पशु प्रवृत्ति है, पशु प्रवृत्ति क्या होता है, पशु जैसा स्वभाव को प्रवृत्ति क्या है, हमारे अंदर जो स्वभाव है, जो हमें बचपन से मिला है, जन्म होते ही जो हमें जो स्वभाव जो गुण मिले हैं उन्हें हम कहते हैं प्रवृत्ति। तो पशु प्रवृत्ति, पशु जैसा स्वभाव, पशु जैसा व्यवहार, तो वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। यहाँ पर आपका मतलब क्या है, अपने लिए, खुद के लिए। तो जानवर जब चरगाह में जाते हैं, अर्थात जो चरने के लिए जाते हैं, अपने लिए खाना खाने के लिए जाते हैं, तो वो केवल अपने लिए ही चरकर आते हैं, खाकर आते हैं। वही मनुष्य जो कुछ कमाने के लिए जीता है, जो कुछ बनने के लिए जीता है, वो दूसरों के लिए, दूसरों के सहायता के लिए ही कमाता है या फिर धन इकट्ठा करता है। तो कभी कहते हैं जो मनुष्य अपने लिए ही कमा रहा है, अपने को सहायता करने के लिए ही धन इकट्ठा कर रहा है, वो किसके साथ समान है, पशु के साथ, जानवर के साथ। उसका स्वभाव कैसा है, पशु प्रवृत्ति है, क्योंकि वो अपने लिए ही जी रहा है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरा। हमने जब इस कविता के विचार बोध मैंने आपके सामने रखा था, तब मैंने कहा था कवि के अनुसार मनुष्य तो सभी हैं, मनुष्य के जिसके अंदर सुख दुख की भावनाएं हैं वही मनुष्य है, लेकिन सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के सुख दुख में खड़ा होता है। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है, मनुष्य के लिए ही मरता है। कौन से मनुष्य के लिए, दूसरे मनुष्य के लिए। तो कवि के अनुसार पशु जिस प्रकार अपने आप मरते रहते हैं, चरते रहते हैं, उसी तरह की प्रवृत्ति मनुष्य में भी कई बार दिखाई देती है जो ठीक नहीं है। मनुष्य को तो मनुष्य की मदद ही करनी चाहिए, उनके लिए ही प्राण दे देना चाहिए। तो जो मनुष्य दूसरों के लिए प्राण देता है, अपना धन कमाता है, दूसरों के सहायता के लिए, परोपकार के लिए हमेशा खड़ा रहता है, हम उसी को ही सच्चा मनुष्य कहता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।